हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही जबरदस्त मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन। और ये मूवी देखने के बाद मुझे सच में बुलबुल तुम्बाड जैसी मास्टरपीस मूवी की याद आ गई। ये एक मलयालम हॉरर सस्पेंस मूवी है जिसको डायरेक्ट किया है निर्मल सचदेव ने और IMDb पे मिले हैं 6.9 out of 10। तो चलिए दोस्तों, सीधे चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में एक बूढ़ी औरत अपने पोते को एक कहानी सुना रही होती है। वो बताती है कि बहुत साल पहले देवलोक में एक देवी रहा करती थी। एक दिन उस देवी के मन में आता है कि क्यों ना धरती पर आकर सैर करी जाए। फिर वो अपनी देवी सहेलियों के साथ धरती पर आ जाती हैं और यहाँ के वातावरण, प्रकृति और यहाँ की संस्कृति में घुल मिल जाती हैं। एक दिन वो आ ही जाता है जब उन देवियों को वापस जाना होता है। बाकी की देवियाँ तो चली जाती हैं, मगर ये देवी यहीं पे रुक जाती हैं। आने वाले समय में इन देवी को एक मनुष्य से प्यार हो जाता है और इनके बच्चों का जन्म होता है। लेकिन देवी और उस मनुष्य के बच्चे में ना तो देवों जैसे गुण थे और ना ही मनुष्यों जैसे। वो बहुत ही भयानक से दिखने वाले दैत्य जैसे थे। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, ये बच्चे बड़े होकर धरती पर उत्पात मचाने लगे और मनुष्यों पर अत्याचार करने लगे। देवी को ये सब देखकर बहुत ही दुख हुआ। जिस धरती पर वो आई थी, आज उन्हीं की वजह से धरती विनाश की ओर जा रही थी। देवी बहुत गुस्सा हो जाती हैं और अपने बच्चों को श्राप दे देती हैं। उस श्राप के कारण देवी के वो बच्चे जंगलों में और पाताल लोक में खो जाते हैं। देवी के दिए हुए श्राप के कारण इन बच्चों को कभी भी पूजा नहीं जाना चाहिए था और इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों को बहुत दूर भेज दिया था। इसके बाद वो देवलोक वापस चली जाती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि लालच बहुत बुरी बला है। इंसानों ने इन दैत्यों को पूजना शुरू कर दिया क्योंकि इंसान एक नंबर का लालची होता है और वो जानता था कि दैत्य बहुत ही शक्तिशाली हैं। अब सीन काफी सालों बाद दिखाया जाता है। चोखन नाम का एक निर्मला के जंगलों में रहने वाला ट्राइबल अनाथ लड़का होता है। एक गांव था इलुमाला जंगलों के पास, जहां पर एक लैंडलॉर्ड था। उसका नाम था थुप्पन। वो बहुत ही ज्यादा बुरा, लालची और एरोगेंट किस्म का आदमी था। ये लैंडलॉर्ड कानी रंगत फैमिली से बिलोंग करता था। एक दिन चोखन अपनी बकरी चराता हुआ वहाँ आ जाता है तो थुप्पन उस पर गुस्सा करके उसको नीच जात का बोल के वहाँ से भगा देता है। थुप्पन की पत्नी नंगाकुट्टी बहुत ही अच्छी औरत थी। उसके अंदर बहुत ही ज्यादा प्रेम और दया थी। नंगाकुट्टी गरीबों को खाना खिलाती थी और उनकी मदद भी किया करती थी। एक दिन वो बच्चा चोखन वहाँ पर खाना खा रहा होता है। नंगाकुट्टी उससे पूछती है कि तुम अकेले यहाँ जंगलों में क्यों घूमते फिरते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? चोखन कहता है कि नहीं, मुझे डर नहीं लगता, और वो ये बोल के वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद नंगाकुट्टी देखती है कि वहाँ पर उसकी पोटली पड़ी है जिसमें कि आम रखा हुआ है और नंगाकुट्टी उसमें से एक आम उठा के खा लेती है। चोखन अक्सर इलुमाला के जंगलों के बीचों बीच एक गुफा में जाया करता था। वहाँ पर कोई भी नहीं जाता था क्योंकि सबको पता था कि वहाँ पर दैत्य इलुमाला रहा करता है। चोखन उस गुफा में जाता है और उस दैत्य को मांस खाने को देता है। वो दैत्य भी चोखन को बहुत पसंद करता था और चोखन उससे बिल्कुल भी नहीं डरता था। अब नेक्स्ट सीन में हमको थुप्पन का घर दिखाया जाता है। नंगाकुट्टी थुप्पन को खाना परोस रही थी। थुप्पन को आम की खुशबू आती है। वो नंगाकुट्टी से पूछता है कि तुम्हारे पास आम कहाँ से आया? इतने में घर की औरत ये बता देती है थुप्पन को कि उसने ये चोखन से लेकर खाया है। अब क्या था, थुप्पन जात पात छूत छात को बहुत मानता था और ऊपर से चोखन आदिवासी था और नीची जात का था। वो बहुत ही जोर से गुस्सा हो जाता है और अपनी बीवी पे चीखने लगता है और खाने की थाली को फेंक देता है। कहता है कि फिर से बना के लाओ और पूरे घर को शुद्ध करो। उसके बाद वो गुस्से में नहाने चला जाता है, लेकिन जिस तालाब में वो नहाने जाता है वहाँ देखता है कि चोखन नहा रहा है। अब तो थुप्पन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चोखन को बहुत मारता है और इतनी बेरहमी से मारता है कि वो मर जाता है। इलुमाला को ये बात पता चलती है कि चोखन मर गया है। वो इस बात से बहुत क्रोधित हो जाता है और अब उसका गुस्सा आग बनकर पूरे गांव पे बरस पड़ता है। अचानक से गांव में पत्थरों की बारिश होने लग जाती है। नदी तालाब सूख जाते हैं, जानवर मरने लगते हैं और लोगों को बहुत ही अजीब सी भयानक बीमारी होने लगती है। थुप्पन को अब ये एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है और इलुमाला का कहर अब थुप्पन के ऊपर भी टूट पड़ा था। थुप्पन को भी वो भयानक रोग हो गया था। अब वो मंदिरों में जाता है, देवी से आराधना करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब वो इलुमाला के श्राप से निजात पाने के लिए एक तांत्रिक के पास जाता है और अंत में उसको पता चल जाता है कि इस श्राप से कैसे बचा जाए।
वो तांत्रिक उसे बताता है कि तुमको देवी के दूसरे पुत्र गौरी समन को पताल लोक से बुलाकर उसका आवाहन करना होगा। थुप्पन ठीक वैसा ही करता है। अब ये श्राप खत्म होता है या नहीं, ये हमको आगे पता चलेगा। कहानी फिर से कुछ साल आगे आती है। यहाँ पर हमको कुम्हारी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। वो बहुत ही सुशील और हसमुख मिजाज की लड़की थी। कुम्हारी अपने भाई जयन के साथ अपने चाचा चाची के साथ रहती थी, क्योंकि कुमारी के पेरेंट्स बचपन में ही मर गए थे। अब एक दिन कुमारी के चाचा सबको बताते हैं कि कुमारी की शादी उन्होंने कहीं फिक्स कर दी है। जयंत को बहुत बुरा लगता है। वो तो पहले राजी ही नहीं होता, लेकिन बाद में मान जाता है। जयंत को थोड़ा अजीब इसलिए लग रहा था क्योंकि उसके चाचा शादी के लिए बहुत जल्दी मचा रहे थे। जयंत कुमारी के होने वाले पति के बारे में थोड़ा छानबीन करने लगता है और उसको पता चलता है कि ध्रुवन के पिता इस दुनिया में नहीं है और ध्रुवन के चाचा ने ही उसकी परवरिश की है। ध्रुवन का एक बड़ा भाई है जिसका नाम है अच्युतन। अगले सीन में ध्रुवन और कुम्हारी की शादी हो जाती है। कुम्हारी विदा होकर जब ससुराल आ रही होती है तो अचानक से एक लेडी उसकी गाड़ी के आगे आ जाती है। जोर जोर से चीखने लगती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ये गाँव श्रापित है। चाचा जी उस औरत को भगा देते हैं। अब हम व्यूवर्स को पता चलता है कि ये वही कानी रंगत गांव है। थुप्पन एक समय पहले यहाँ पर लैंडलॉर्ड हुआ करता था और ध्रुवन उसी का वंशज है। कुम्हारी का उसके ससुराल में बहुत ही जोर शोर से स्वागत होता है। कुम्हारी के चाचा ससुर एक मुर्गी की बलि ले जाकर मंदिर में भेंट दे देते हैं और वो बलि वो गौरी देवन को देते हैं। जी हाँ दोस्तों, गौरी देवन जो कि देवी के दूसरे पुत्र थे पताल लोक से, थुप्पन ने उनको पताल लोक से आह्वान करके बुला लिया था और उन्होंने ही इलुमाला से सबको बचाया था। जैसे तैसे दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन कुम्हारी ऐसे ही घूमने निकल जाती है। अब वो घूमते घूमते थोड़ा जंगल के अंदर पहुंच जाती है। यहाँ पर उसे वो बच्चा चोखन दिखाई देता है, मगर वो तो बहुत सालों पहले मर चुका था। चोखन उसको बुलाता है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी कुम्हारी की ननद आकर उसको बचाती है और कहती है कि यहाँ से घर चलो, और वो उसको पूरी कहानी बताती है। वो कहती है कि हमारे घर का कोई भी आदमी इलुवाला के जंगल में नहीं जाता है और तुम भी वहाँ पे मत जाना। कुमारी को इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता क्योंकि ये कहानी 200 साल पुरानी होती है। रात को जब कुमारी सो रही होती है तो उसके सपने में थुप्पन की बीवी आती है जिसने सफेद रंग की साड़ी पहनी होती है और उसका आंचल खून से सना होता है। कुमारी बहुत ज्यादा डर जाती है और उठ के बैठ जाती है, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता। कुमारी धीरे धीरे ये नोटिस करने लगी थी कि ध्रुवन के चाचा ध्रुवन से अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, उसको पागल भी कहते थे और उसको मारा पीटा भी करते थे। अब रात होने पर ध्रुवन से वो पूछती है तो ध्रुवन उसे बताता है कि बचपन से ही वो अकेलापन झेलता आया है। बड़े होने पर उसको और उसके बड़े भाई को जादू टोना सीखने के लिए भेजा गया था, लेकिन उसका मन उन सब में नहीं लगता था, जिसकी वजह से उसको कोई भी पसंद नहीं करता था और सब लोग उसको निकम्मा समझते थे। इसी वजह से वो बहुत ही गुस्से वाला और चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन वो जादू टोना सीखने नहीं गया, जिसके चलते तांत्रिक ने उसे बहुत मारा और उसने गुस्सा होकर उस पूरी जगह को आग लगा दिया। और जो लड़का उसके ऊपर हंस रहा था, इसने उसकी जुबान काट दी। उसके गुस्से को शांत करने के लिए वो दवाइयां लेता था, इसलिए सब उसको पागल समझकर उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे। नेक्स्ट सीन में कुम्हारी तालाब के पास आती है और उसको फिर से चोखन दिखता है और वो कुम्हारी को बुलाने लग जाता है। कुम्हारी चोखन के पीछे पीछे चल देती है। अब जंगल में अंदर जाने के बाद एकदम से उसके सामने निथम्मा नाम की एक औरत आ जाती है। वो कुमारी से कहती है कि तुम माँ बनने वाली हो और तुम्हारे बच्चे की जान को खतरा है, और अगर तुम अपने बच्चे को बचाना चाहती हो तो इलुमाला की शरण में आ जाओ। कुम्हारी घबरा के डर के भागने लगती है और बेहोश हो जाती है। उसकी ननद उसे देख लेती है और उसे फौरन घर लेकर आती है। अब पूरे घर को पता चल जाता है कि कुमारी सच में प्रेग्नेंट है और कुमारी इस बात से चौंक भी जाती है। घर में सब लोग खुश होते हैं। ध्रुवन भी बहुत खुश था और कुम्हारी की बहुत ज्यादा सेवा करने लग जाता है। अच्युतन की कोई संतान नहीं थी। वो ध्रुवन से बहुत ज्यादा चिढ़ने लग जाता है क्योंकि वहाँ पर ऐसा रूल था कि जो भी वंश आगे बढ़ाएगा वो वहाँ की गद्दी संभालेगा। इसी बात पर अच्युतन गुस्सा होकर बार बार ध्रुवन को पागल पागल बोलता रहता है और अपनी पत्नी को खरी खोटी सुनाना शुरू कर देता है। ध्रुवन अब गौरी देवन की पूजा भी करने लग गया था। एक रात कुम्हारी सो रही होती है तो उसको फिर से सपने में नल्ला कुट्टी आती है और इस बार उसकी गोद में एक बच्चा होता है जो कि खून में लथपथ होता है। कुमारी एकदम से डर के उठ के बैठ जाती है। दूसरे दिन कुमारी अपनी भाभी से बच्चा न होने का कारण पूछती है। अब उसकी भाभी उसे बताती है कि हमारा बच्चा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने किया ही नहीं। कुमारी ये बात सुन के शॉक्ड हो जाती है और अब
हम व्यूवर्स को थुप्पन का एक राज पता चलता है। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। थुप्पन ने अपने परिवार और गांव की रक्षा के लिए पाताल लोक से गौरी देवन का आवाहन किया था और इसके बदले में गौरी देवन ने इंसान की बलि मांगी थी। थुप्पन ने उस वक्त बिना सोचे समझे अपने बेटे की बलि दे दी थी। इसके बाद गौरी देवन ने उनकी रक्षा करनी शुरू कर दी, मगर थुप्पन की पत्नी इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने आप को देवी के सामने खंजर से मार कर आत्महत्या कर ली। और अब इतने सालों बाद फिर से एक बार बलि दी जाएगी। थुप्पन के वंशज के बच्चे ही इस बलि को दे सकते थे, इसलिए ध्रुवन के बच्चे को सेलेक्ट किया जाता है। इसीलिए उस घर के बच्चों को जादू टोना भी सिखाया जाता था ताकि आने वाली समय में गौरी देवन की वो अच्छे से पूजा कर सके और बलि भी दे सके। लल्ला कुट्टी बार बार गौरी को बताती थी उसके सपनों में आकर कि उसके साथ क्या हुआ है और तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। अब कुम्हारी की भाभी कुम्हारी को लेकर एक्टिक में आती है। और दोस्तों, यहाँ पर मुझे तुम्बाड़ मूवी की याद आ गई। ये बिल्कुल तुम्बाड़ मूवी वाला सीन था। यहाँ पर खुलता है एक भयानक राज। थुप्पन जिंदा होता है। वो 200 सालों से उसी एक्टिक में पड़ा था, वो मरा नहीं था। एक्चुअली हुआ क्या था कि उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था, लेकिन अभी भी उसके अंदर जान थी। जब उसने गौरी देवन का आवाहन किया था तो गौरी देवन ने उसे आशीर्वाद दिया था कि वो अमर हो जाएगा, लेकिन वो अमर नहीं होना चाहता था और इस वक्त वो तड़प रहा था, मौत मांग रहा था, लेकिन मर नहीं पा रहा था। वो आप कुम्हारी से कहता है कि इलुमाला ही सब कुछ ठीक कर सकता है। कुम्हारी का ससुर जान जाता है कि बड़ी बहू ने सारा खेल बिगाड़ दिया है, इसलिए वो उसको मरवा देता है। अब कुम्हारी अपने बच्चे को बचाने के लिए रात में छुपकर इलुवाला के जंगलों में जाती है, जहाँ पे उसे निथम्मा मिलती है और निथम्मा उसे इलुवाला की गुफा में लेके जाती है। अब निथम्मा उसको इलुवाला का आवाहन करने का एक मंत्र देती है और कहती है कि एक बार तुमने इनका आवाहन कर दिया तो तुम पीछे मुड़ के नहीं देख सकती। कुम्हारी गुफा में जाती है, वो बहुत डर रही होती है, लेकिन इलुवाला दैत्य उसको कुछ भी नहीं करता। यहाँ पर हमको एक बात भी पता चलती है कि इलुवाला दैत्य इतना बुरा भी नहीं था, वो बस चोखन की मौत से भड़का हुआ था, इसलिए थुप्पन के वंश को खत्म करना चाहता था और उसने इसीलिए पूरे गांव को श्राप दिया था। इलुवाला एक मूर्ति निकालकर कुम्हारी को देता है और कहता है कि तुम इसे अपने घर में ले जाके गाड़ दो और उसके बाद देखना कि क्या होता है। उस मूर्ति की वजह से इलुवाला का श्राप वापस आने लग गया था। इससे गौरी देवन का रक्षा कवच भी कमजोर पड़ गया था। इधर ध्रुवन के चाचा सबको बोलते हैं कि अगला राजा और वारिस ध्रुवन का बेटा और ध्रुवन ही बनेगा। गांव में फिर से विपदा आने लगी थी। चाचा सबको ये बात बोलकर चुप कराते हैं कि ध्रुवन सब सही कर देगा। अब ये बात सुनते ही गांव वाले ध्रुवन के आगे झुक जाते हैं। ध्रुवन अपने चाचा के साथ जादू टोना सीखने में लग जाता है। कुम्हारी देखती है कि घर के मंदिर में देवी की मूर्ति नहीं बल्कि गौरी देवन की पूजा हो रही है। उधर अच्युतन गुस्से में इलुवाला को पूजने जाता है, मगर इलुवाला अच्युतन को मार देता है क्योंकि वो जानता था कि अच्युतन एक बुरा इंसान है और वो कभी भी सही चीज नहीं चाहता, वो लालची है। चाचा को भी एक सांप काट लेता है जिससे जादू टोना करने वक्त वो मर जाते हैं। पूरे गांव में पत्थरों की बरसात होने लगती है, आग लग जाती है और फिर से वही सब घटनाएं होने लग जाती है। ध्रुवन निथम्मा के पास जाकर उसको बहुत डराता है और कबीले वालों को मारने लग जाता है, लेकिन निथम्मा कहती है इलुवाला ने तुम्हारी बीवी के साथ सौदा किया है और उसने कहा है कि वो तुम्हारे बच्चे की रक्षा करेगा। अब ये बात सुनकर ध्रुवन गुस्से में आ जाता है और कुम्हारी से ये बात पूछने लगता है, पर कुम्हारी उसे बता देती है कि कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चे की बलि नहीं दूंगी। अब नेक्स्ट सीन में जयंत आता है अपनी बहन से मिलने के लिए। कुम्हारी उसको सारी बातें बताती है। जयंत कुम्हारी से कहता है कि मेरे साथ चलो, मगर ध्रुवन जो अब पागल शैतान हो चुका था वो जयंत को मार डालता है। अपने भाई की मौत से कुम्हारी बौखला जाती है और वो थुप्पन के पास एक्टिक में आती है। वो कुम्हारी से कहता है कि मेरी एक गलती की वजह से आज ये सब हो रहा है। आज वो तड़प रहा है, मरने की भीख मांग रहा है और उसकी पत्नी मंगा कुट्टी की आत्मा भी 2 सालों से यहीं पर भटक रही है, वो तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। थुप्पन ने देवी को उनके स्थान से हटाकर गौरी देवा को वहां रख दिया था। तुम्हें देवी को उनके स्थान पर वापस रखना होगा। कुम्हारी एक कमरे में देवी की मूर्ति को खोज लेती है और उसे वो खंजर भी मिल जाता है जिससे मंगा कुट्टी ने अपने आप को मारा था। लेकिन तभी कुम्हारी को लेबर पेन शुरू हो जाता है और वो एक बेटे को जन्म दे देती है और ये वक्त ग्रहण का होता है। आज के ही दिन ध्रुवन बच्चे की बलि देने वाला था। वो गौरी देवन का आवाहन करने लगता है। उधर निथम्मा इलुवाला की पूजा करने में लग जाती है।
कुम्हारी अपने बच्चे को लेकर भागती है मगर द्रुहन उससे बच्चा छीन लेता है और गौरी देवन बच्चा लेने आगे आता है। तभी इलूवाला भी वहाँ पर आकर बच्चे को बचाने लग जाता है। इन दोनों की आपस में लड़ाई होने लगती है। कुम्हारी भी वहाँ पे आ जाती है। इलूवाला अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके गौरी देवन को पाताल लोक में घसीटता हुआ ले जाता है। धुवन अब भी बच्चे की बलि देने पर उतारू होता है मगर कुम्हारी उसे खंजर से मार डालती है। उसने अपना कर्ज भी हटा दिया था और गौरी देवन के मरते ही थुप्पन को भी मुक्ति मिल जाती है क्योंकि गौरी देवन की वजह से ही अब तक वो जिंदा था। मंगा कुट्टी की आत्मा को भी मोक्ष मिल जाता है। कानी अंगद गांव में अब सब कुछ ठीक हो जाता है। पूरा गांव श्राप से मुक्त हो जाता है। अब उस परिवार की लैंडलॉर्ड कुम्हारी बन जाती है और वो पूरे गांव का भला सोचती थी और सबका साथ देने लगती है। वो लोगों के लिए देवी बन जाती है। इसी तरह समय बीतता है। लेकिन 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 मूवी की एंडिंग में हम व्यूवर्स को कुमारी के बेटे को दिखाया जाता है जो कि खेल रहा होता है। अब उसको चोखन दिखाई देता है और वो हंसता हुआ कुमारी के बेटे को अपनी तरफ बुलाता है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, हो सकता है कि इस मूवी का सीक्वल आए या फिर हमको ये दिखाया गया है कि अभी भी इलूमाला वापस आना चाहता है और वो राज करना चाहता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुमारी मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।